बहुत बड़ी बात है। कोई भी ऐसा इंसानियत का क्षेत्र नहीं छोड़ा गुरुजी ने जिसमें उन्होंने कदम ना रखा हो, इंसानियत को जिंदा रखा हुआ है गुरुजी ने। और सामने देख सकते हैं गुरुजी यहाँ पर पौधारोपण की जहाँ से शुरुआत होनी है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और गुरुजी का इंतज़ार आने का खत्म हुआ और कुछ ही देर में यहाँ पर एक सिग्नल मिल जाएगा, एक हरी झंडी मिल जाएगी कि हाँ आप पौधे लगाएं और दुनिया से पूरी धरती से यहाँ पर इस ग्लोबल वार्मिंग को भगाएं। तो गुरुजी यहाँ पर पौधारोपण के लिए आ चुके हैं। आपको बता दें कि आज स्वतंत्रता दिवस और पूज्य गुरुजी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग पौधा लगाएंगे और एक घंटे में 25 लाख के आसपास पौधा लगाने के टारगेट हैं। आप देख सकते हैं गुरुजी अपने औजार के साथ यहाँ पौधा लगाने को तैयार है और बढ़ते हुए पौधा लगाने के लिए, और इसके बाद तुरंत बाद यहाँ सिग्नल यहाँ मिल जाएगा सारी दुनिया को कि हाँ और कि आप पौधा लगा सकते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस अभियान की शुरुआत होगी। गुरुजी बिल्कुल तैयार हैं और पूरी संख्या यहाँ पर जो है वो 25 लाख के आसपास एक घंटे में पौधे लगाए जाएंगे और गुरुजी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर गुरुजी ने पौधा लगाने के लिए जमीन को खोदना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत बड़ा यहाँ एक कदम उठाया गया है मानवता के लिए। और आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल गुरुजी पहला पौधा लगाते हुए स्वतंत्रता दिवस और जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। और साथ संगत को आप थोड़ी देर के बाद एक मैसेज मिल जाएगा कि हाँ आप पूरी दुनिया में पौधे लगा सकते हैं और तैयार हैं डेरा सच्चा सौदा के लाखों करोड़ अनुयायी यहाँ पर पौधे लगाने के लिए। सामने देख सकते हैं आप कि पौधारोपण की जो ऑफिशियल शुरुआत है वो कर दी गई है, गुरुजी स्वयं यहाँ पर पौधा लगा रहे हैं। सामने आपको बता दूं कि ये मुहिम बहुत बड़ी मुहिम है और लाखों की संख्या में पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं, करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए चुके हैं और गुरुजी यहाँ पर पौधा अब लगाते हुए और लोग जो विभिन्न जगह पर दुनिया के जो अलग अलग हिस्सों में हैं वहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं इस पल का और तैयार है सब लोग वहाँ पर। जी हाँ, अब गुरुजी द्वारा वहाँ पर पौधा लगा दिया गया है, यानी इस ट्री प्लांटेशन की जो मुहिम है इसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और पूज्य गुरुजी द्वारा यहाँ पर जो पौधारोपण की मुहिम चलाई गई है वह यहाँ पर इस 15 अगस्त 2012 की शुरू हो गई है, क्योंकि इस 15 अगस्त 2012 से मतलब कि पुरानी भी मुहिम यहाँ पर चलती आई है। हर जन्मदिवस पर गुरुजी यहाँ पर पौधा लगाते हैं और लाखों की संख्या में अब तक करोड़ पौधे लग, कि हमें प्रवक्ता ने बताया कि 76% उसमें से अभी बिल्कुल चल रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा एक प्रयास। इसके अलावा भी डेरा सच्चा सौदा 70 मानवता भलाई कार्य कर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल आपको बता दें कि आज 15 अगस्त 2012 देश का स्वतंत्रता दिवस और पूज्य गुरु जी का जन्म दिवस को एक बहुत ही शानदार तरीके से को समर्पित इस दिन को मनाया जा रहा है और पूज्य गुरु जी इस में सबसे पहले पौधा स्वयं लगाते हुए अब उस पौधे को की वॉशिंग कर। तो यहाँ एक साफ संदेश है, एक साफ मैसेज है कि मानवता को बचाना है और सृष्टि को बचाना है और यहाँ पर ये पौधा अब लगा दिया गया है। पूज्य गुरुजी द्वारा पौधा यहाँ पर लगा दिया गया है और संकेत यहाँ पर मिल चुका है कॉर्नर्स में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनको एक संदेश यहाँ पर मिल चुका है कि हाँ आप भी पौधा वहाँ पर लगा सकते हैं। और इस पौधे को पूरी तरह से यहाँ पर संभालते हुए मुझे गुरुजी और उनकी मुहिम के नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग स्तर अब घटने लगा है, लोग जागरूक हो गए हैं पेड़ों की तरफ, जहाँ पर पहले हरियाली नहीं आती थी एक मैसेज है, कहीं नज़र नहीं आती है हरियाली, इसलिए पूज्य गुरुजी ने पौधारोपण की डोर है संभाली। और वाकई ही पौधारोपण की डोर संभालने के बाद अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पृथ्वी हरी भरी नज़र आने लगी है। गुरुजी ने आज स्वतंत्रता दिवस पर एक नया आयाम स्थापित किया, गुरुजी ने अपने जन्म दिवस पर एक नया आयाम स्थापित किया है, मानवता को समर्पित ऐसा जन्मदिन पहले कहीं नहीं देखा गया। गुरुजी स्वयं पौधा लगाते हुए आप देख सकते हैं सामने, और वो जो पौधा लगाने का कार्य है वो पूरा कर लिया गया है।